सो गाइस बोट की एक और वॉच आने वाली है, बोट की टाइगोन, और गाइस लुक और फील देख सकते हो आप। और यहाँ पे एप्पल वॉच सीरीज 8 अल्ट्रा का राउंड डायल का कॉपी टाइप का लगता है देखने में, और इस टाइप के स्ट्रैप में भी, चेन वाले स्ट्रैप में भी देखने को मिलेगी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हो प्रीमियम लुक्स रहने वाले हैं क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। यस, आपने इसे सुना, इस वाली बोट में, पर्टिकुलरली बोट की वॉच में, इस वॉच में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी देखने के लिए। तो गैस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। वैसे ये वॉच वो नहीं है, बट लुक और फील इस तरीके से मिलने वाला है। मैं आपको यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ इस वॉच का, बेसिकली है सेम ही वॉच जो आपको बोट की आने वाली, लॉन्च होने वाली है। तो गैस ए टू जी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ शेयर करने वाला हूँ आप सभी से। वैसे अगर आप चैनल पर आएंगे तो चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब कर लेते हो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम बहुत ही अच्छी अच्छी डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग प्रीव्यू वीडियो को आप सभी के लिए। एस्ट्रो और साइक्लोन जैसी ये वॉच देखने में लग रही है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं इसमें, क्या ये वॉच खास है, किस प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च होगी, और कैसी है ये वॉच जिस प्राइस ब्रैकेट में भी लॉन्च होने वाली है। तो गाइस स्टे ट्यून रहेगा। वैसे अगर आप चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो एडवेंचर रेडी क्लैरिटी 1.45 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, और ये 466 पिक्सल्स ऑफ रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, 600 निट्स की पिक बैंड है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ वेक गेस्चर भी देखने को मिलता है। तो गाइस ये काफ़ी अच्छी बात है। जो गाइस फायरबोल्ट की एस्ट्रो वॉच है उससे अगर मैं डायरेक्टली इसको कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे डिस्प्ले साइज बड़ा है। जो एस्टर वॉच है फायरबोल्ट की उसमें क्या है कि 1.43 इंच का डिस्प्ले, यहाँ पे आपको 1.45 इंच का डिस्प्ले मिलती है, स्लाइटली बड़ी डिस्प्ले मिलती है। क्राउन की वर्किंग तो गई, सीरीज एट अल्ट्रा जो राउंड डायल की कॉपी बेसिकली देखने में लगती है, प्रीमियम एमोलेड स्क्रीन फॉर विविड सनलाइट रीडेबल डिस्प्ले इन टफ कंडीशंस। तो यहाँ पे मैन्यू स्टाइल आपकी सेम, मतलब वही वाली फायरबोल्ट में जो मैन्यू स्टाइल मिलते हैं वही सेम इसमें मैन्यू स्टाइल दी गई है, 4x मैन्यू स्टाइल देखने को मिलती है। कनेक्ट बियॉन्ड बाउंड्रीज, ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन देखने मिलेगा, सीमलेस कनेक्टिविटी, लो पावर कंजप्शन, 1 स्टेप पेयरिंग, तो सिंगल चिप कनेक्टिविटी के साथ ही वॉच देखने को मिलेगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। और बोट की वॉचेज़ में डेफिनेटली होता है कि सिंगल चिप कनेक्टिविटी ही होती है मैक्सिमम वॉचेज़ में। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें रोबस्ट डिज़ाइन विद ओशनिक का ऑप्लुएंस प्रीमियम डिज़ाइन एंड ओशन राइड स्ट्रैप्स, तो कह ये काफ़ी अच्छी बात है। ओशन स्ट्रैप्स आप यहाँ पे चढ़ा सकते हो। वैसे ये रिमूवेबल रहने वाले 42mm के एप्पल टाइप के स्ट्रैप्स में लगने वाले हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फ्लैट ग्लास डिज़ाइन मिलेगा देखने के लिए, तो ये भी ठीक है। और फ्लैट ग्लास पे क्या होता है कि आप स्क्रीन गार्ड आसानी से चढ़ा सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रैप शेड में मिल जाएगी, जिसकी स्टेनलेस स्टील वाला चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, नॉर्मल आपको लूप वाला स्ट्रैप चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। चेन वाला स्ट्रैप चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। एक्सपेक्टेशन मास्टरी फंक्शनल क्राउन, यस यहाँ पे आप मेन्यू को एक्सप्लोर कर सकते हो, वॉच फेस को चेंज कर सकते हो, टन्स ऑफ फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो थ्रू दिस क्राउन की, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। और एल्यूमिनियम केसिंग मिलने वाली है आपको इसमें वॉच में इटसेल्फ, और बैक आस इसका पॉलीकार्बोनेट या ग्लास का आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात आती है यहाँ पे 100+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, और साथ ही में यहाँ पे ये वॉच IP67 रेटेड है, तो ये थोड़ा सा फ्लॉ लगा मेरे को, IP68 कम से कम देना चाहिए था। हेल्थ एंड वेलनेस की बात हम करें तो हार्ट रेट मॉनिटर, एस्पिटोलाइज मॉनिटर, स्ट्रेस मॉनिटर एंड स्लीप मॉनिटरिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग के साथ, ये भी अच्छी बात है। और गाइडेड ब्रीदिंग का ऑप्शन भी है यहाँ पे, देखने में लग रहा है ग्लास्टिक बैक है बेसिकली, ये पॉलीकार्बोनेट नहीं लग रहा है। और इवन तो यहाँ पे बैक साइड का जो लुक है वो सेम मेरे को फायरबोल्ट की एस्टर जैसा लग रहा है कहीं ना कहीं। डेली एक्टिविटी ट्रैकिंग, स्टेप्स एंड कैलोरी बर्न्ड एंड सैडेंटी अलर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे इस वॉच में इटसेल्फ। आगे बात आती है यहाँ पे नोटिफिकेशन अलर्ट्स, फाइंड माय फोन, स्मार्ट वॉइस इंट्रैक्शन मतलब वॉइस असिस्टेंट, यूटिलिटी की बात हम करते हैं यहाँ पे कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिलता है, अलार्म आप सेट कर सकते हो, टाइमर का ऑप्शन मिल जाएगा, स्टॉप वॉच है, वर्ल्ड क्लॉक है, वेदर है, विजिट कंट्रोल है, पासवर्ड, तो पासवर्ड सेटिंग का ऑप्शन भी इसमें देखने को मिल जाएगा। तो गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है कि फायरबोल्ट की एस्टर की कॉपी है एग्जैक्टली, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे मैंने फायरबोल्ट की एस्टर का रिव्यू अनबॉक्सिंग कर रखा है, और मैं सोच रहा हूँ कि इसका भी रिव्यू अनबॉक्सिंग करूँ आप सभी के लिए। तो गाइज ये सिंपल सा प्रीव्यू था। एंड गाइज ये वॉच ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ लार्ज डिस्प्ले ठीक है और मीडियम डिस्प्ले ठीक है, थिन इस पर बिल्कुल भी छीन लगेगी, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा अगर आप इस वॉच को ग्रैब करना चाह रहे हो या मतलब सोच रहे हो ग्रैब करने का। और फीचर्स तो ठीक है, बट प्राइसिंग मेरे ख्याल से इस वॉच की हो सकती है, जो एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है वो मेरे को लग रहा है कि 299 तक जा सकता है इसका प्राइस, जो स्टेनलेस स्टील वाला है, मतलब अगर बोर्ड रखेगा स्टेनलेस स्टील वाला बेसिकली 3-4 तक हो सकता है, हाँ नॉर्मल वाला 299 तक जा सकता है इसका, क्योंकि बोर्ड का जो प्राइस रहता है थोड़ा सा हायर साइड रहता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो गाइस डील अच्छी है डेफिनेटली यहाँ पे, बट अगर स्टेनलेस स्टील वाला अगर 3000 में जाता है तो डेफिनेटली आप ये ग्रैब कर सकते हैं। तो गाइस ये सिंपल सा प्रीव्यू था। अगर आपका क्वेरी इस वॉच से रिलेटेड कुछ भी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना कहीं भी मत जाना गाइस, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।